बोर्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटी बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम लोग वर्सेस में डेटी बॉन्ड कहते हैं। ये होता क्या है, जब इसका नियम क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग हाफ आयनिक आधा कोवेलेंट बोलते हैं, यानी कि दोनों गुण, हाफ जो कि इसमें होता है आयनिक का गुण होता है, और हाफ जो होता है आपको कोवेलेंट का गुण पाया जाता है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन कंजिस्ट होते हैं। तो हम H2SO4 की बात ही कर रहे हैं, हमारा मिडल एटम तो वही होगा सल्फर। चलिए तो सल्फर को ही ले लेते हैं। सल्फर में मैंने कुछ ऐसा किया था, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने रख दिया था, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ रख दिया था, ऑक्सीजन यहाँ रख दिया था, ऑक्सीजन यहाँ भी था और ऑक्सीजन यहाँ भी था, ध्यान दे दीजिएगा। तो दो चार छः तो ऑलरेडी पहले है ही, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जो कि है शेयर कर दें ऑक्सीजन के साथ, तो मान लीजिए कि इन्होंने शेयरिंग कर लिया और इन्होंने भी शेयरिंग कर लिया, तो इसी दौरान क्या होता है कि सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दो दो चार, दो छः दो आठ, अब सल्फर का यहीं पर कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो क्या करेगा कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नियम है, रूल्स है, कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर ऐसा कुछ करे तो और के रूप में हम लिख सकते हैं, नीचे में और के रूप में, सल्फर ने ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या हो गया, दो दो चार, दो छः दो आठ, सल्फर ने नीचे भी दो इलेक्ट्रॉन दिया, दो दो चार, दो छः दो आठ। अब बट यहाँ पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड नजर आएगा, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड नजर आएगा, क्योंकि इसको कम रहा है, तो बगल में हाइड्रोजन और बगल में क्या रख देंगे, हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें आपका दो बॉन्ड जो कि है शेयरिंग किया गया है पूर्ण रूप से, इसमें भी दो बॉन्ड शेयरिंग किया गया, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डेटी बॉन्ड, इसी को बॉन्ड डेटी बॉन्ड कहते हैं। और डेटी बॉन्ड जो कि है ऑक्टेट रूल जो कि है, वॉइंट नहीं होता, टूटता नहीं है, बच जाता है। लास्ट हम CO2 की बात कर लेते हैं।